गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ करिश्मा सिंह फ्रॉम रेडियन पब्लिक स्कूल बक्सर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच कंप्यूटर फॉर क्लास 7। पिछले क्लास में आप लोगों ने सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज का आपका टॉपिक है, हमारा टॉपिक है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कैटर्स टू द नीड ऑफ मोर देन वन यूजर, यानी कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक से अधिक यूजर की आवश्यकता है। ईच यूजर, यानी कि प्रत्येक यूजर वर्क्स ऑन अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड डेटा, यानी कि प्रोग्राम और डेटा के भिन्न भिन्न समूहों पर काम करते हैं। प्रत्येक यूजर प्रोग्राम और डेटा के भिन्न भिन्न समूहों पर काम करते हैं। इन दिस इन्वायरमेंट, इस वातावरण में प्रोग्राम्स एंड डेटा ऑफ मोर देन वन यूजर इज लोडेड इन टू द मेमरी। जो एक से अधिक यूजर के प्रोग्राम और डेटा हैं उसको मेमरी में लोड किया जाता है एंड और प्रोसेस्ड बाई द ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोसेस कराया जाता है। There is a central computer that acts as a server. यह एक सेंट्रल कंप्यूटर है, केंद्रीय कंप्यूटर है जो कि सर्वर की तरह काम करता है। एंड और ऑल अदर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द सर्वर विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल्स, और जो दूसरे कंप्यूटर्स हैं वो सर्वर से कनेक्ट रहते हैं टर्मिनल की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल, यानी कि टर्मिनल की सहायता से जो दूसरे कंप्यूटर हैं वो सर्वर से कनेक्ट रहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूनिक्स, जेनिक्स, लिनक्स, ओएस 2 etc. मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं यूनिक्स, जेनिक्स, लिनक्स, ओएस 2 इत्यादि। हमारा अगला टॉपिक है बूटिंग, जिसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।